अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज, वहां के सबसे बड़े जो डीन थे सीसी डामोर साहब, जब वो राउंड पे आते थे तो बड़ा सा बड़ा डॉक्टर उनके साथ जाता था कि कुछ सीखने को मिलेगा। एक दिन वो जा रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे देखा एक 82 साल के काका बैठे हैं, तो उनको पूछा कि भाई कौन है। बोले ये फुटपाथ पे थे, इनकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो गए, बच्चे विदेश में हैं जो इनको संभालते नहीं हैं, ये रोड पे हैं। पर डामोर साहब को लगा कि इनको तो मैंने देखा हुआ है, नज़दीक से देखा और वो पहचान गए। और डामोर साहब ने बोला कि पहले एक काम कीजिए, सर को बढ़िया कपड़े शेविंग वेविंग करके इनको रेडी कीजिए। तो लोगों ने रेडी कर दिया। शाम को जब डामोर साहब का वापस फोन आया ना, तब वो समझ गए कि ये आदमी कोई ना कोई स्पेशल है। और उस व्यक्ति के लिए सब डॉक्टर लग गए और 6 दिन के अंदर अंदर उनको ठीक कर दिया गया। और 6 दिन के बाद हुआ ये कि 6 दिन जैसे ही गए ना, उनके लिए पूछा गया कि सर इनको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आप कोई चलेंगे क्या? तो डाकोर साहब ने बोला कि नहीं, मैं कल सुबह मेरी पत्नी के साथ आता हूँ, आप इनको डिस्चार्ज। तो सुबह वो अपनी गाड़ी और फैमिली को लेके आए, तो साचा ने सोचा कि शायद मैं कुछ इनको मेरे ऊपर दया आ गई है, तो कोई ना कोई वृद्धाश्रम में मुझे लेके जा रहे होंगे। तो जब वृद्धाश्रम की बात आई ना, तो जब वहाँ तक पहुँचे ना, तो उन्होंने बोला कि आप कृपा शंकर त्रिवेदी हैं। बोले हाँ, पर आपको कैसे मालूम? कि याद कीजिए, दाहोद जिला रंगपुर गांव, और आपको एक वो छक्का याद है जो 12वीं क्लास में पूरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था? बोले हाँ, वही दिवाली बहन का लड़का मैं हूँ। बोले तू? बोले हाँ, जिसकी जब फर्स्ट आया ना, उसकी माँ ने बोला मैं तो झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे पास ये पोजीशन नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊँ। तब यही कृपा शंकर त्रिवेदी थे जिन्होंने उसकी ये मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलवाई थी। बोले तू बेटा वही है? बोले हाँ। तो उन्होंने जैसे ही वो बोला, वो चकित रह गए। बोले मेरी माँ है ना, मेरी माँ ने बोला था, उसके बाद बोले तू क्या हुआ? उसके बाद मैं यहीं पढ़ा और इसी कॉलेज का प्रोफेसर बना और आज बीजे मेडिकल कॉलेज का डीन बना हूं मैं। तो बोले यार क्या बात है? बोले ताजुब किया। तो बोले मेरी माँ दिवाली बहन मुझे कह के गई थी कि एक बात याद रखना, जिंदगी में तू कितना भी बड़ा आदमी बन जावे, पर तेरे ऊपर कृपा शंकर त्रिवेदी जो तुम्हारे टीचर है उनका बहुत बड़ा उपकार है, उनको मत भूलना तुम। तो जिंदगी में आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, अंदर का छक्का मत भूलना बॉस, अंदर का छक्का मत भूलना। थैंक यू सर, थैंक यू।